आज मैं आप लोगों के लिए चना दाल और चावल से ढोकला की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैंने बिना दही के बनाया। तो चलिए फिर से बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए चावल दाल वाला ढोकला की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चना दाल लिया है, आप यहाँ देख सकते हो। एक बाउल लेंगे, इसमें डाल देंगे चना दाल, और एक कटोरी चना दाल में हम एक कटोरी चावल डालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, हमने एक कटोरी चावल ले लिया है। अब इसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से दो तीन बार धो लेंगे और इसको पानी में भिगो के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फिर से ढक देते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद इसका ढक्कन हटा के तब हम इसको चेक करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 से 4 घंटा हो चुका है। अब ये चावल और चना दाल अच्छे तरीके से फूल चुका है। आप चाहें तो चावल और चना दाल को रात में भी भिगो के डाल सकते हो। तो चलिए फिर इसको मैंने फिर से एक बार धो लिया और मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि मिक्सी के जार में डाल दिया हमने चावल दाल को, और साथ में डाला 3 हरी मिर्च तोड़ के, साथ में डाला थोड़ा अदरक का टुकड़ा, और डालेंगे इसमें आधा कटोरी पानी। आधा कटोरी पानी हम अभी डाल देते हैं और आधा कटोरी पानी पीसते वक्त डालेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें डाल दिया हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में डाला है आधा चम्मच चीनी, और साथ में डाला है 3 चम्मच नींबू का रस। तो आप यहाँ देखेंगे नींबू का रस डाल के इसको हम मिक्सी के जार को बंद कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पीसेंगे। पीसते समय आधा कटोरी हम इसमें और पानी डालेंगे। पूरा 1 कटोरी पानी हमने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हो। चलिए अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमने इसको डाल दिया है। आप यहां देखेंगे कि ये बैटर किस तरह का बनके तैयार हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 पिंच खाने वाला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल के इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच पानी। तो 1 कटोरी पानी मैंने पहले डाला था और 4 चम्मच पानी हम फिर से डाल देंगे। तो आप यहां देखेंगे कि हमने इसमें 4 चम्मच पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर। तो आप यहाँ देखेंगे हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हल्दी पाउडर चावल दाल पीसते टाइम भी डाल सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका बैटर किस तरह का तैयार हुआ है। चलिए अब ढोकला बना लेते हैं। इधर हमने केक टिन लिया है। केक टिन में थोड़ा सा तेल डाल के उसको चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे, आप यहाँ देख सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे चावल दाल वाला बैटर। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने डाल दिया है इसको, और इधर हमने गैस पे एक पतीला में 1 से 1.5 गिलास पानी लिया, उसमें स्टेन डाल दिया, उसमें डाल देंगे हम यह ढोकला वाला बैटर। ढोकला वाला बैटर डाल के इसको ढक देंगे और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने ढक्कन हटा दिया है 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि चाकू क्लीन आया है, इसका मतलब है कि ढोकला बनके तैयार है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं पतीले में से। ढोकला को तुरंत नहीं पलटना है, 3 से 4 मिनट के बाद हम इस ढोकला को पलटेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे इसके ऊपर से हमने एक प्लेट डाल दिया है। प्लेट के ऊपर से फिर इसको पलट के इस तरह से और इसको टैप करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ढोकला निकल के आया है बाहर। चलिए अब ढोकला का पीस हम कट कर लेते हैं। ढोकला खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा फ्लफी बना। आप यहाँ देख ही सकते हो कि कितना अच्छा ढोकला बन के तैयार हुआ है, वो भी बिना दही के। आप लोग एक बार मेरे तरीके से ढोकला बना के ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आप लोग इसे नाश्ते में बनाएं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने ढोकले के पीस को कट कर लिया है। मैं आप लोगों को इसमें से एक पीस लेके दिखलाती हूँ कि कितना फ्लफी बन के तैयार हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ढोकला कितने अच्छे तरीके से बन के रेडी हुआ है। जालीदार है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसके ऊपर से तड़का लगा देते हैं। तो इसे लगाने के लिए हमने तड़का पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल को गर्म होने देंगे, डाल देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच राई। राई जब चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच व्हाइट वाला तिल। तो आप यहाँ देखेंगे कि अब हम इसमें व्हाइट वाला तिल डाल दे रहे हैं। व्हाइट वाला तिल डाल के अब हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 करी पत्ता। करी पत्ता भी डाल दिया। अब हमने इसमें
करी पत्ता डाल के इन सभी चीज़ों को पकने देंगे। अब हम इसमें दो हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा के डाल देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हरी मिर्च भी डाल दिया हमने, गैस के फ्लेम को कर दिया है बंद। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फिर अब ढोकला के ऊपर से हम तड़का लगा देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम तड़का ऊपर से डाल रहे हैं ढोकला के ऊपर से, इसी तरह से आपको ढोकला के ऊपर तड़का लगा लेना है। ढोकला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आप लोग एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोगों को ये चावल दाल वाला ढोकला की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।